وجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله مولانا العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست باواز بلند درود و سلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام، معزز و محترم، محتشم، پیارے مسلمان بھائیو، بزرگو، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان ماہانہ پروگرام بسلسلہ گیارہویں شریف، جو کہ اپنا مرکز چمنستان طاہریہ، ہم سب اس کے اندر حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس ماہ رمضان کریم کا صدقہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. دوستو، ٹائم چونکہ انتہائی مختصر ہے، انشاءاللہ ایک نعت ہوگی، ایک منقبت ہوگی، اور اسی دوران سیدی و مرشدی، میرے آپ کے دلوں کی دھڑکن، صوفی باصفا، درویش اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، الحاج حضرت علامہ مولانا خلیفہ پیر ریاست علی بخشی طاہری نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی تشریف آوری ہوگی، اور حضور کا خطاب دل نواز ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے افطاری کا بھی ٹائم ہے، اور پھر مصافحہ بھی ہونا ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر ہیں، تو لہٰذا ایک مرتبہ پھر میں، جو میرے بھائی باہر بغیر کسی کام کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں، تاکہ پروگرام کے اندر بیٹھ کر اپنی دین دنیا کی بہتری حاصل کریں. انشاءاللہ یہ مختصر سا پروگرام ہوگا،
और आपको पता है कि आज 10 रमज़ान मुबारक है, आज ही के दिन फतेह मक्का है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल है और पहला अशरा भी मुकम्मल होने में तकरीबन घंटा सवा बाकी है। ये गिनती के दिन हैं, पता भी नहीं चला और 10 दिन गुजर गए। ये वो महीना है कि जिसके अंदर हम नफल पढ़ें तो अल्लाह ताला फ़र्ज पढ़ने का सवाब देता है, अगर एक फ़र्ज पढ़ें तो अल्लाह ताला 70 फ़र्ज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। यही वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है, जन्नत खोल दी जाती है, शैतान को कैद किया दिया जाता है। ये चीज़ें हम बड़े अरसे दराज से सुनते सुनाते आए हैं और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक हैं। और मज़ा तब है जब हम इन पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बिला तखीर हदिया इनात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम जनाब अबरार अहमद ताहरी साहब उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर आएँ और अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात के फूल निछावर करें। उससे कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे बूटे हरे रेंदे हयाले यार विच मैं मस्त रहना हा दिने राते रहना हाँ दिने रात
मेरे दिल बिच सजन बसदा मेरे दीदे रे रहंदे मेरे दिल बिच सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मलज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीद दे सदा बूटे हरे रहंदे। जिन दोस्तों के पास मास्क है वो कोशिश करें मास्क लगा लें, जेब में ना डालें, कोशिश करें SOPs पर अमल किया जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम इस वक्त नेट पे चल रहा है और हुजूर क़िबला आलम सैयदी व मुर्शदी आप तो SOPs को बहुत ज़्यादा उस पर ज़ोर देते हैं, आप भी कोशिश करें थोड़ा थोड़ा अलग हो के बैठें, थोड़ा थोड़ा फासला रखें, अगर कर लें तो मेहरबानी है आपकी, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये प्रोग्राम अलाबाद शरीफ भी देखा जा रहा है और हुजूर भी देख रहे हैं, फिर मसला बनेगा, इसलिए आप कोशिश करें SOPs पर अमल करें, दोस्त थोड़ा थोड़ा फासला रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नसीहत के चंद अशआर मोहतरम जनाब नज़ीर अहमद ताहिरी साहब, मोहतरम जनाब भाई नज़ीर अहमद ताहिरी साहब। आ गई माए रमज़ान मामना, आ गई माए रमज़ान मामना, सारिया तो ची जिंदे शान मामना, आ गई माए रमज़ान मामना, मोमनाए साल पिछू तेरे वल आयाई, रहमतां दे गंज तेरे वास्ते ले आयाई ये बन के मेहमान मोमना, आ गयाई माहे रमज़ान मोमना, आ गयाई माहे रमज़ान मोमना, पिंडा विच शहरां विच मस्जिदां भरपूर ने, पिंडा विच शहरां विच मस्जिदां भरपूर ने, एदे विच कैद ही शैतान मोमना, आ गयाई माहे रमज़ान मोमना, सारिया तो ची जिंदी शान मोमना, आ गयाई माहे रमज़ान मोमना, एदे विच इक रात कदर वाली आंदी, हजार महीने नालों वध दर जे ओ पावंदी, जिदे विच आया सी कुरान मोमना, आ गयाई माहे रमज़ान मोमना, आजज दे कहने उते लग जावना, रियासत अली दे कहने उते लग जावना, रोजा रमज़ान दाना इक भी गवावना, रियासत अली दे कहने उते लग जावना, रोजा रमज़ान दाना इक भी गवावना,
कम आवे हशर दे मैदान मोमना आ गया ई माहे रमज़ान मोमना सारिया तुची जिंदी शान मोमना आ गया ई माहे रमज़ान मोमना। दोस्तों गौर किया जी कलाम किदा लिखा है ना लैके बोलो हवाला बन के मस्त मलंग रवांगे रियासत अली दे संग रवांगे। मैनू मैं जदों दा हज़रत साहब का कलाम सुने तुसी भी सुन दिओ मेरे नाल पहलू दे मरीद हो मैं तो सब तो ज़्यादा गंदा। हकीकत बात इस तरह है मैं दी थोड़ी जी अपनी अकल दे मुताबक गल करन लगा। हज़रत साहब दे कलाम वल गौर व फिक्र करो एक एक लफज विच इंज लगदा जिवें मोती परोए ने। एक कलाम सुन के तो इंज लगता है जिमें हर वेली रमज़ान रहिंदा है। दिल ना भी करता हो मेरे पीर का कलाम सुनो ना तो रोज़ा रखने दिल कर पैंदा है तो जिन्ना रखे ना उन्हां दा दिल करदा मैं इहदी हिफाजत कर लवां। मेरे आका ने फरमाया कितने ऐसे लोग हैं जिनको शाम सिवाए खाने और पीने के कुछ भी हासिल रोज़ा भी रखे तो चुगली भी नहीं छड़ी रोज़ा भी रखे झूठ भी बोलिया रोज़ा रख के गंदे काम करते रहे गलत काम करते रहे। हज़रत साहब का एक कलाम सुन के ना तो दिल करता बंदे का कि रोज़े की हिफाजत करिए। ऐसा कलाम लिखिया है ऐसा कलाम लिखिया है जिन्हों लिख के दिल जड़ा गवाही देता है कि वाकई अल्लाह दे वली का कलाम है। तो दोस्तों अब मैं हदिया मनकबत के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद फरहान ताहरी साहब दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी वक्त पीरी गुरु के जालम मेशवत परहेजगार। ये तो मेरे पीर का कमाल है ना कि नौजवानों को इस तरफ लेकर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के अंदर नौजवान ज़ौक दर ज़ौक दाखिल हो रहे हैं और दाखिल ही नहीं हो रहे बल्कि बाअमल हैं बाशरा हैं बाअमल हैं और फिर जो पढ़ते हैं दिल से पढ़ते हैं। मोहम्मद फरहान ताहरी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सजन साईं 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 सजन साईं। निगाह जब ये उठाते हैं हजारों गम मिटाते हैं ये रूहें जो में उठती हैं नशा ऐसा चराते हैं तौहीदी में पिलाते हैं। मेरे मुर्शिद सजन साईं तौहीदी में पिलाते हैं मेरे मुर्शिद सजन साईं सजन साईं सजन साईं सजन साईं सजन साईं। कब्र में मेरी ना आना फरिश्तों ऐ कब्र वालों यहाँ पर कौन आए हैं इधर आओ नजर डालो चले जाओ चले जाओ। यहाँ पर हैं सजन साईं चले जाओ चले जाओ। यहाँ पर हैं सजन साईं सजन साईं सजन साईं सजन साईं सजन साईं। सबको वहाँ सुभान अल्लाह फिर आखो सुभान अल्लाह। पता जी कितना सवाब मिलया एक बारी आखी ना रमजान करीम के अंदर सुभान अल्लाह तो इंज जिवें एक लख वारी आख्या सुभान अल्लाह। गैर रमजान दे विच एक लख वारी आखो ना इस महीने च एक बारी आखो सुभान अल्लाह इंज जिवें एक लख वारी सुभान अल्लाह क्या है। ये वो महीना है
जिस दे अंदर एक सजदा करिए ना तो अल्लाह सुबहाना व तआला 1500 नेकियां उस बंदे दे नामा ए माल दे विच दर्ज फरमा देंदा है। मालूम होया ये महीना मेहमान आया है, दुनियादार मेहमान आता है तो कुछ खा के जाता है लैके जाता है, ये आया ता भी लैके आया है, जो जाएगा फिर भी दे के जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रमजान करीम की एक एक साथ के बदले अल्लाह ताला 60,000 गुनाहगारों को दोजख से निकाल कर जन्नत अता फरमा देता है। मुख्तलिफ हदीस हैं, मतलब ये कि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमतों का नज़ूल होता है। हुजूर ने फरमाया इसका पहला अशरा क्या है, बोलो क्या है, सारे बोलो क्या है, फिर बोलो क्या है, दूसरा मगफरत का, दूसरा तीसरा जहन्नम से निजात का। तो अल्लाह ताला जब आखिरी रात होती है ना, जितने सारे रमज़ान करीम के अंदर जिनकी बख्शिश फरमाता है अल्लाह ताला, आखिरी रात में पूरे महीने की गिनती के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान करीम के रोज़े का सवाब क्या है, अजर क्या है, तो मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत ये इल्तिजा करती, तमन्ना करती, काश सारा साल रमज़ान होता, ये तमन्ना करती सारा साल रमज़ान होता। तो दोस्तों हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम इस वक्त अपने मुर्शिद व मरबी के दरबार आलिया में बैठे हुए हैं, और जिस तरह मैं कह रहा था गैर रमज़ान में सवाब और है, रमज़ान में सवाब ज़्यादा हो जाता है, तो अलफ ए तन मेरा चश्मा हुए ते मैं मुर्शिद देखना रज्जा हूँ, लूं लूं दे मुंड लख लख चश्मा, एक खोला एक कच्चा हूँ, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किदे वल भज्जा हूँ, मुर्शिद कामल दा दीदार बाहू, मैनू लख करोड़ा। ये अगे पिछे की गल है, तो जे रमजान की दीदार हो थे गिनती खत्म हो जाती है, दीदार का स्वाब खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों असी जितना भी शुक्रिया अदा करिए अल्लाह ताला ने सानू वक्त दे कामिल वली दी संगत अता फरमाई, अल्लाह वाले सानू कबूल किया है। तो दोस्तों अब हुजूर किबला आलम की तशरीफ आवरी हो रही है हदिया मनकबत के लिए, मोहतरम जनाब अबरार अहमद ताहरी साहब, मोहतरम जनाब अबरार अहमद अल्लाह हक सजन पे अल्लाह मुर्शिद रियासत अली दी गुड्डी जगे ते चढ़ी, मुर्शिद रियासत अली दी गुड्डी जगे ते चढ़ी, उड़े दोहा जग बेच उड़े दोहा जग बेच डोरे सजन सह पड़े उड़े दोहा जग बेच उड़े दोहा जग बेच डोरे सजन सह पड़े, मुर्शिद रियासत अली दी गुड्डी जगते चढ़े उड़े दोहा जग बेच उड़े दोहा जग बेच डोरे सजन सह पड़े, मुर्शिद रियासत अली दी गुड्डी जगते चढ़े उड़े दोहा जग बेच उड़े दोहा जग बेच डोरे सजन सह पड़े, गुड्डी सोन सही बनाई हाथ सजना दे फड़ाई, गुड्डी सोन सही बनाई हाथ
सजना दे पढ़ाए सजना डोर ऐसी पाई सजना डोर ऐसी पाई कटी जावे ना कदे सजना डोर ऐसी पाई सजना डोर ऐसी पाई कटी जावे ना कदे मुर्शद रियासत अली दी गुड्डी जगते चढ़े डोर फजली गफारी नाले बख्श नाल तहरी डोर फजली गफारी बख्शना ले तहरी सजना गुड्डी ऐ चढ़ाई सजना गुड्डी ऐ चढ़ाई थले आवे ना कदे मुर्शद रियासत अली दी गुड्डी जगे ते चढ़े सोने साईं दा कमाल दिता पेर साल सोने साईदा कमाल देता पीर बे मिसाल सोने साईदा जाने सोने साईदा जाने नाम रियासत अली सोने साईदा जाने सोने साईदा जाने नाम रियासत अली सच्चे गल रिजवान होया रब दा एहसान सच्चे गल रिजवान होया रब दा एहसान लखा शुक्र मनावा लखा शुक्र मनावा मिलया रियासत अली मुर्शद रियासत अली दे गुड्डे जगते चढ़े उड़े दोहा जग बिच उड़े दोहा जग बिच डोर सजन सही फड़े सद शुक्र खुदाया तूने सोना पीर दिया सद शुक्र खुदाया कि तूने सोना पीर दिया सद शुक्र खुदाया कि तूने सजन पीर दिया सद शुक्र खुदाया कि तूने पीर रियासत अली दिया। दोस्तों इंतज़ार के लम्हात ख़त्म बिला तख़ीर मैं अपने मुर्शिद व मुरब्बी की बारगाह में मुअद्दिबाना मुल्तमिस हूँ कि हुज़ूर अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हर दम खुदा नू याद रख हर दम खुदा नू याद कर एवें उबर न अपने बर्बाद कर मरण तो पहला एह जिंद आजाद कर गल सुन मेरी है बेखबर
हुआ फरमान जब तेरे लिए जिक्रन कसीरा का, मगर अफसोस फिर भी क्यों जिक्र को भूल जाना है। दिया तुमको खुदा ने जो खजाना हयाती का, किया बर्बाद वो तुमने के आखिर लौट जाना है। पाके औजात जिसने बगैर थम्मा दे आसमान नू छत बनाया है, पाके औजात जिस पानी दे उत्ते मिट्टी दा बिछौना बिछाया। अल्लाह तबारक ताला अपने क्या प्यारे कलाम सच्चे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इशाद फरमाते ने, ऐ ईमान वालो मेरा जिक्र कसरत से करो, नमाज पंज वक्त पढ़ो। हज जिंदगी विच एक बारी करो, रोजे साल विच एक महीने दे, लेकिन जिक्र ज्यादा तो ज्यादा करो। हुआ फरमान जब तेरे लिए जिक्रन कसीरा का, मगर अफसोस फिर भी क्यों जिक्र को भूल जाना। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा जिक्र करता है वो जिंदा दी मिसाल है, जेड़ा जिक्र नहीं करता वो मुर्दा दी मिसाल है। रोटी पानी होर खुराकां भी जिंदगी वास्ते जरूरी ने, पर जितनी हवा जरूरी है ना इतनी होर कोई शाय भी जरूरी नहीं। रोटी दे बगैर कुछ दिन बंदा कट लेंदा है, पानी बगैर भी कट लेंदा है, लेकिन हवा दे बगैर, हवा दे बगैर बंदा नहीं कट सकता कुछ दिन में, कुछ घड़ियां भी नहीं कट सकता। इस वास्ते अल्लाह दी जात ने रोटी वास्ते मेहनत करनी पौंदी है, पानी वास्ते बोर कराना पौंदा, लेकिन हवा वास्ते कोई मुशक्कत कोई मेहनत नहीं करनी पौंदी। इस वास्ते अल्लाह दी जात ने फरमाया नमाज वास्ते भी तो मेहनत करनी पौंदी, रोजे वास्ते, हज वास्ते, लेकिन जिक्र वास्ते वुजू भी है या नहीं, इतनी देर भी गाफल ना होवो मता थोड़ी रूहानी मौत आ जावे। हुआ फरमान जब तेरे लिए जिक्रन कसीरा का, तेरे वास्ते ये अल्लाह हुक्म किया है भी तू जिक्र ज्यादा तो ज्यादा कर, ज्यादा तो ज्यादा नहीं करेगा तो रूहानी मौत आ जाएगी। मेरे आका ने फरमाया जो जाकर है वो जिंदा दी मिसाल है, जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा दी मिसाल, वो जिंदा नहीं होता वो मुर्दा होता। जिसले दिल मुर्दा हो जाए, मुर्दा दिल रा नफ्स अखवस या खबीस, गरचे खानत बर जबानस नसो हदीस। नस सदे ने कुरान दी आयत ने, हदीस नबी पाक दे कलाम ने। आप फरमाते ने जिस बंदे दा दिल मुर्दा हो जाए उनका नफ्स पाक नहीं हो सकता, बावें उनकी जबान दे उत्ते 24 घंटे कुरान हदीस है रवे, कुरान पढ़ता रवे, हदीस पढ़ता रवे, पर मुर्दा दिल मुर्दा है। मुर्दा दिल रा नफ्स अखवस या खबीस, गरचे खानत बर जबानस नसो हदीस। उनकी जबान दे उत्ते बावें 24 घंटे कुरान हदीस रवे पर दिल ना मुर्दा, वो गुनाह तो बच नहीं सकता, वो नेकियां कर ही नहीं सकता। इस वास्ते
अल्लाह की जात फरमाते हैं कि जिक्र ज्यादा तो ज्यादा करो, जिक्र ज्यादा करोगे तो थोड़ी रूहानी जिंदगी कायम है। तो जिस वक्त तू जिक्र छोड़ पवेगा फिर तेरी रूहानी जिंदगी कायम नहीं रहेगी, फिर तेरा दिल मुर्दा हो गया। मुर्दा बंदा फिर नेकियां नहीं कर सकता। इस वास्ते अल्लाह की जात फरमाते ने कि तुसी जिक्र ज्यादा तो ज्यादा करो। हुण ज्यादा तो ज्यादा जिक्र किवें करेगा? रोटी खावेगा तो जिक्र बंद हो जाएगा, गुसलखाने जाएगा तो उसे जिक्र करने नहीं चाहिए। हुण ज्यादा तो ज्यादा जिक्र न कसीरा वो किवें होवेगा? बुजुर्ग फरमाते ने वो जबान का जिक्र नहीं हो सकता, वो दिल का जिक्र हो सकता है। दिल का जिक्र एक बारी करिए ना तो इंदा सवाब ज्यादा होंदा है जबान के जिक्र नाल। तो जदों खाना खावेगा तो दिल का जिक्र फिर भी कर सकना, गुसल खाने जावे तो दिल का जिक्र फिर भी कर सकता है। लेकिन जदों जबान का जिक्र ये गुसलखाने च नहीं कर सकता, ये लैटरीन च नहीं कर सकता, ये खावन लग्या भी बंद हो जाएगा, किसी ना गल्लां करेगा तो बंद हो जाएगा, फिर जिक्र कसीर किवें होगा? जिक्र कसीर होगा जे तू दिल का जिक्र करेगा। दिल का जिक्र जेड़ा होंदा है ना ये बंदा ज्यादा तो ज्यादा कर सकता, गल्लां भी करता पे ख्याल है जिक्र है, जिमें भी ख्याल है, ख्याल तेरा जिक्र ले होवे तो फिर तेरा ये जिक्र कसीर हो जाएगा। जदों दिल जाकर बन जाए तो फिर तेरा जिक्र चलता रहेगा, तू सौ भी जावेगा ना तो ये चलता रहेगा, तेनों मौत आ जाएगी ये जिक्र चलता रहेगा। जिस वक्त इंसान का दिल मर जाता है, दिल बंद हो जाता है तो फिर ये जिक्र नहीं कर सकता। इस वास्ते अल्लाह की जात फरमाते ने हुआ फरमान जब तेरे लिए जिक्र न कसीरा का, किया बर्बाद वो तुमने कि आखिर लौट जाना। आखिर खुदा के सामने पेश तो होना, 60 साल 70 साल जितनी जिंदगी गुजारी है तो मालिक पूछना तो है ना किवें गुजार के आए, वो जिक्र गफलत गुजार छड़िया, वो तेरा दिल गुनाहों में गुजर गया, वो पास नहीं होगा। जिस वक्त तेरा जिक्र चलता रहेगा, जीम जो दम गाफल सो दम काफर, सानू मुर्शिद सबक पढ़ाया हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते ने, जेड़ा गफलत गुजर गया ना साह तेरा, वो एडा वड्डा गुनाह होया जिमें तू कुफर कर बैठा। एक साह किन्ने दा आ जाता है, इनकी कीमत ही कोई नहीं, वो दस ही नहीं सकता। वो जदों तेरा गफलत च गुजर गया तो फिर वो एडा वड्डा गुनाह होया कि जिमें तू कुफर कर बैठा। जिक्र पंज वक्त नहीं, हर वक्त करो, नमाज पंज वक्त करो, रोज़े महीने साल विच, हज जिंदगी विच एक बार, क्योंकि हज के बगैर भी दिल मुर्दा नहीं होंदा। जिस वक्त दिल गाफल हो जाता है, जिक्र छड़ बमेगा फिर तेरा दिल मुर्दा हो जाए, जदों दिल मुर्दा हो गया फिर दिल तेरा पाक ते साफ नहीं हो सकता। इस वास्ते बुजुर्ग फरमाते ने मुर्दा दिल रा नफ्स अखवस या खबीस, गरचे खानद बर जबानस नसो हदीस। जदों तेरा दिल मुर्दा हो जाता है फिर तेरे दिल मुर्दा हो जाएगा, भावें जबान तेरी ते कुरान हदीस 24 घंटे रवे, फिर तेरा दिल गफलत तो बच नहीं सकता। नमाज 5 वक्त पढ़ो, जिक्र हर वक्त करो,
ਜਦੋਂ ਗਫਲ ਗਫਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਤੇ ਨਾਮੀਆਂ ਬੇਦਾਰੀ ਪਰ ਫੌਕੀਅਤ ਰੱਖਦੀ। ਨਾਮੀਆਂ ਸੱਦੇ ਨੇ ਸੌਣ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਬੇਦਾਰੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਤੇਰੀ ਸੌਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਜ਼ਕੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਕੂਰ ਨਾਲ ਵਾਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਕੂਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 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 ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਕਰ ਅਤੇ ਨਕੀਰ ਆਵਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਕਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਸਲਾਮੋ ਲੈਕੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ? ਉਸ ਕਹਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਫ ਦੀਆਂ 10 ਨੇਕੀਆਂ, ਅਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ ਦੀਆਂ 10 ਨੇਕੀਆਂ। ਤੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਨੇਕੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1000 ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਅਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਨੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ।
जदों मौत आ जानी है तो फिर ना नेकियां लिखिया जानिया ने तो बदिया तो उत्थ करनी कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं लिखा जाने। अज वक्त है दोस्तों, रोज़ों का महीना है, रोज़े का सवाब अल्लाह की जात ने फरमाया, इनका अजर मैं खुद दूँ, बाकी तो सवाब है ना, जन्नत मिलेगी, जन्नत फिरदौस मिलेगी वगैरह वगैरह, बड़े बड़े मसले दसे हुए ने, पर रोज़े का मसला यह है कि इनका सवाब अल्लाह की जात खुद हो जाएगा। तो जिहड़ा रोज़ा किसी नूं रखावे, जिहड़ा रोज़ा किसी का इफ्तार करावे, उन्हूं भी इतना ही सवाब है जितना रोज़ा रखण वाले नूं हुंदा। रोज़ा रखण वाले नूं की सवाब है, उन्हूं अल्लाह ताला खुद मिलदे ने। तो इंज जे किसी का खुला दे, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह साडे सारियां कोल ते ताकत नहीं, असी रोज़ा खुला लवीए किसी का। आपने फरमाया, रोज़ा खुलावन तो मुराद ये नहीं कि पेट भर के खाना खवाना, एक खजूर या एक घुट पानी का ये भी किसी नूं दे दिओ ना, तो इन दे नाल भी रोज़ा खुल जाता, अफतार हो जाता। पर किसी गरीब नूं दिता, जैसे एम पी ए एम एन ए एस पी वड्या वड्या सद के तो खुलाउंदे हो, पर गरीब नूं तो खुलाओ, जिंदा तेरी उंदी दीवार सांझी, वो तो तैनूं याद ही कोई नहीं भी इस रोज़ा रखिया किवें, हा इस खोलना किवें, उस रखिया भी पानी नाला, ते खोलण तुहानूं पता ही कोई नहीं किवें खोलण, वो नज़र नहीं ना आता सानू, किसी वड्डे बंदे नूं खोल के खुला के तो फखर करदा, उन्हों खुलावण दा इतना फायदा नहीं जितना गरीबां नूं खुलावण दा फायदा। गरीबां नूं खुलाओ, फितराना दसवां रोजा है, तो मेरा ख्याल है, हो सकता है सही ना होवे, मेरा ख्याल है साढ़े चो किसी भी फितराना अज नहीं दिता। असा इो सुने आया कि ईद आए दिन, ईद आए दिन वो कपड़ा कितों लवेंगे, जे कपड़ा मिल भी गया तो वो सिलावणगे कितों, जे बल्ला पहले दे दो तो ये नहीं लग जाएगा, इनका सवाब ज़्यादा होगा, जाके दे के ना जा पुछ के आलमा कोलों जेड़ा फितराना है वो दो। इत्थे सुन जाना है कि कोई नसीबां वाला है जेड़ा याद रखे, गरीबां नूं दो, हो सकता वो रोज़े रखदा होवे वो रोज़े रख लवे, कपड़े चंगे लेके दे या पैसे ही दे छड्ड वो अपनी मर्जी ना लवे, वो हो सकता सादे जे लेके ते अपने पेट वास्ते कुछ कर लवे, अपने बच्चों वास्ते कुछ कर ले। हाँ, रोज़ा की सिखाउंदा है, ये सिखाउंदा है कि बंदा भुखा किवें गुजारा करदा है। हुण डीगर हो गई है ना, तो रोज़ा जिन्हें रोज़ा रखिया उन्होंने पूछो ना कितनी तकलीफ हुंदी है, इस हालत नाल गरीब बंदा मजदूरी करदा, साडा बोलण नूं दिल नहीं करदा, वो बोरी चुकता है, वो कम करता है, फिर उनका रोज़ा भी है। गरीब बंदा किमें करता है तो रोज़े का मकसद की, अल्लाह ताला फरमांदे ने रोज़े में क्यों फर्ज किए, इस पर उन्हें किए कि तू भुखा तो प्यासा लगावत, इस पर उन्हें किए कि रोटी तो बंद कर ली लेकिन गिला चुगली गीबत वो नहीं बंद की, हलाल चीज़ों तो परहेज कर लिया, जेड़ियाँ रोज़े तो अगे पिछे भी मनाने वो तो छड़िया कोई ना। आज दसवां रोज़ा है, कितना फर्क पिया, घर बीवी ना लड़ना छड़ दिता, पुत्रां नाल धीआं नाल लड़ना छड़ दिता, दुकान ते बहाना ते इखलाक अच्छे कर लैने, नहीं
ये साड़ी दवाई असल नहीं। अल्लाह ताला फरमाते ने रोज़ा जेड़ा है ना ये बंदे नू मुतकी ते परहेजगार बना छड़दा। असी वेखिए सानू रोज़े ने किन्ना फायदा किया, अजे फायदा नहीं होया ना तो साडा रोज़ा सही नहीं। दवाई खाना बंदा सिर की पीड़ दी तो सिर की पीड़ नू आराम नहीं आता ना तो फिर दवाई बदलता है, डॉक्टर जाके आता है मैनू तो कोई फर्क नहीं पे दवाई बदल के दे। रोज़ा पिछे भी रोज़े पे ने यार ये वेखना असा भी सानू फर्क कितना क्या पिया, जिमें जिमें फर्क पाँगा जाए तो समझ लवी तेरा रोज़ा सही होता जाता। झूठ छड़ दिता, चुगली छड़ दिती, सब तो ज्यादा ये भुख ते प्यास नू मनदा है शैतान। तो कह दे जिहड़ा अबलीस है ना वो कह दे शैतान दोज़ख दे दरवाजे बंद ने, जन्नत दरवाजे खुले ने, नेकियां दा अजर वधा दिता जांदा है। मेरे आका ने फरमाया तो जे फिर भी बंदा ना बख्शिया जावे तो फिर वो हलाक हो गया। जिक्र ज़्यादा किता करो, नमाज पांच वक्त पढ़ो, ये फितराना याद रखो, ये जाके तो देना दसो जी साडा फितराना है फी का सिख जो 50 रुपए मुकर्रर किया गया है। अल्लाह हक सजन पीर आवे खो मेरा मुर्शिद रियासत अली, आवे खो मेरा मुर्शिद रियासत अली, जिंदी दम पै गई हर जगह हर गली, आवे खो मेरा मुर्शिद रियासत अली, आओ वेख मेरा मुर्शिद रियासत अली, इंदा रुतबा बड़ा ही अजीब डिठा, ए दिल दा खास तबीब डिठा, इनु वेखे खिल जांदी दिल दी कली, आओ वेख मेरा मुर्शिद रियासत अली, आओ वेख मेरा मुर्शिद रियासत अली, छड खैरा तो नकली पीरांदा, इना कोठियां बंगले जगीरांदा, छड खैरा तो नकली पीरांदा, इना कोठियां बंगले जगीरांदा, इस वक्त दा ए जे कामिल वली, आओ वेख मेरा मुर्शिद रियासत अली, तेरा दर सोना छड़ के मैं जावा किथे, मैनू मिले आए रब रसूल इथे, तेरा दर सोना छड़ के मैं जावा किथे, मैनू मिले आए रब रसूल इथे, जन्नत दा नजारा है तेरी गली, आओ वेख मेरा मुर्शिद रियासत अली। अल्लाह हक सजन पीर, अल्लाह हक रियासत अली पीर, मैनु मुर्शिद रंग चराया, मैनु सजना टाइम थोड़ा है, जेड़े दोस्त मुसाफ टोलियां बनाओ खड़े ना होवो, मेहरबानी बाहर जाके टोलियां बनाओ, टाइम थोड़ा है पिछे, मेहरबानी जज़ाकअल्लाह, जेड़े दोस्त मुसाफा कर चुके ने बाहर जाके टोलियां बनाओ ते कोशिश करो खिदमत दे विच लग जाओ, ज़्यादा दोस्त टोलियां बनाओ भाई, मुसाफा करके टोलियां बनाते जाओ। मैनू सजना ने रंग चराया, मैनू मुर्शिद रंग चराया, सब रंगा चो कमाल यारो, मैनू
सजना ने रंग चराया, मेरा पीर सज्जन अल्लाहबाद वाला, मेरा पीर सज्जन अल्लाहबाद वाला, लाजपाल लाजपाल यारो, लाजपाल जान कलाइया ने यारो मिलिया ए दे सदके रहाया ने, मैनू सजना ने रंग चराया सब रंगा चौकमा। भाई दोस्तों गुजारिश की थी बार टोलियां बनाओ खड़े ना हो, मेहरबानी टोलियां बनाओ बार जाके, बार बार इंतजामिया नु कहना पैंदा है बराहे करम टोलियां बनाओ जाके। जज़ाकअल्लाह। अठ अठ की टोली बना लो सारे दोस्त जेडे अंदर ने मस्जिद के या बरामदे, थले कोई चीज ना डिगे, मेहरबानी फरमाया जे थले कोई चीज ना डिगे। जज़ाकअल्लाह।